Hello students, myself Meenu, your English teacher from Happy Cambridge School. Today I'll explain you lesson 16, a moronic pixie. Moronic means moorg, pixie, dwarf, bona. There was once a wandering pixie named Moon Eye who suddenly came upon the sea. Ek baar ki baat hai. एक घूमते घूमते एक जो पिक्सी था बोना था वो जिसका नाम था मून आई वो अचानक से पहुंच गया कहाँ समुद्र के किनारे ठीक है समुद्र के पास ही हैड नेवर सीन इट बिफोर एंड इट टुक हिज ब्रेथ अवे इन सरप्राइज अब उसने इतना सारा और इतना विशाल समुद्र कभी भी देखा नहीं इतना पानी नहीं देखा कभी और वो इतना हैरान हो जाता है कि वो सांस ही नहीं ले पाता मतलब आउट ऑफ ब्रेथ हो जाता है इतना हैरान हो जाता है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है सो मच ऑफ वाटर ऑल टूगेदर ही सेड हैरान होकर वो क्या बोलता है कि इतना सारा पानी एक साथ फ्रॉम वेयर डज इट कम ऑल कम एंड हाउ लवली इट इज कहाँ से आया ये सब और कितना सुंदर है व्हाट अ ब्यूटीफुल साउंड इट मेक्स और कितनी सुंदर आवाज़ है कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी पानी की आवाज़ को कह रहा है वो जो लहरें उठती हैं समुद्र में उनकी आवाज़ को वो पिक्सी ये वो बोना उसके बारे में बात कर रहा है वो उसको बहुत अच्छी लग रही है ही लुक्ड एट इट वो उसको देखता है देन ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड बिल्ड अ हाउस बाय द सी एंड लिव देयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ अब अचानक वो देखता है तो उसके माइंड में एक आइडिया स्ट्रक करता है वो सोचता है क्यों ना मैं यहाँ पर एक छोटा सा घर बना लूँ और मैं यहीं पर रहूँ उसको समुद्र इतना प्यारा लगता है कि वो वहाँ अपनी बाकी की ज़िंदगी वहाँ गुजारना चाहता है द टाइड वॉज ऑलमोस्ट फुल ही हैड अबाउट हाफ एन आवर टू गो अब टाइड का मतलब होता है लहरों का ऊंचा उठना तो वो लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी समुद्र में और आधा घंटा वो वहीं रहा और फिर उसने क्या किया पिक्सी लुक्ड अराउंड फॉर पिक्सी आसपास देखता है कुछ चीज़ें कि उसे मिल जाएं टू बिल्ड हिज हाउस किस लिए चाहिए वो चीज़ें उसको घर बनाने के लिए एंड ही डिसाइडेड दैट ही कुड नॉट मेक अ लवली वन विथ सी वीड्स बिट्स ऑफ वुड एंड बेक स्टोन्स अब उसने डिसाइड किया कि वो बना सकता है लवली सुंदर सा घर प्यारा सा घर किससे सीवीड से समुद्री जो पौधे होते हैं और लकड़ी के टुकड़े पड़े थे वहाँ मिल गए उसको और क्या मिल गए बड़े बड़े पत्थर देन क्या करता है वो ही सेट टू वर्क एंड इन एन आवर्स टाइम ही हैड अ लिटिल हाउस विद अ डोर एंड टू विंडोज अब क्या होता है एक घंटे का समय लगता है उसको और वो एक छोटा सा घर बना पाता है जिसमें कि दो विंडोज हैं और एक दरवाज़ा है एंड अ चिमनी पॉट मेड ऑफ एन ओल्ड टिन और एक चिमनी पॉट भी बनाता है वो चिमनी पॉट क्या होता है जहाँ से धुआं वगैरह निकलता है चिमनी भी बनाता है एक पुराने टिन से एंड ही वॉज डिलाइटेड विद इट डिलाइटेड मीन्स वेरी हैप्पी बहुत खुश होता है वो देख करके उसने घर बनाया जो आई विल सिट एट द डोर ऑफ माई हाउस एवरी मॉर्निंग ही सेड उसने कहा कि मैं हर सुबह यहाँ पर अपने घर के दरवाजे पर बैठा करूँगा एंड सी द सी विल गो स्लोली नियर द डोर एंड आई शेल बी वेरी हैप्पी तो कहते कि समुद्र जो है मेरे दरवाजे के पास तक आएगा धीरे धीरे और मुझे बहुत खुशी होगी नाउ आई एम हंग्री सो आई विल मेक अ फायर इन माई लिटिल स्टोन फायर प्लेस एंड कुक अ नाइस लिटिल डिनर अब क्या कर सोचता है वो कि अब मुझे भूख लग रही है तो मैं अपने जो मैंने पत्थर से छोटा सा एक चूल्हा बनाया है फायर प्लेस जिसमें उसने खाना पकाया अपना डिनर थोड़ा सा जो पिक्सी होते हैं तो बोना है तो वो खाना भी थोड़ा ही खाएगा तो उस हिसाब से वो कहता है कि छोटा सा थोड़ा सा अपना मैं डिनर प्रिपेयर करता हूँ ही वेंट इनसाइड अंदर जाता है कुक्ड अ पिक्सी डिनर थोड़ा सा खाना जो पिक्सीज खाते हैं वो बनाते हैं देन ही एट इट ऑन अ टेबल ऑफ मेड ऑफ स्क्वायर रॉक और कहाँ बैठकर खाता है वो स्क्वायर जो उसके घर में टेबल होती है जो कि रॉक से उसने बनाई होती है चट्टान से पत्थर से बड़े से पत्थर से बनाई होती है उस पर बैठ के वो खाना खाता अपना डिनर खाता करता है
आफ्टर दैट ही फेल्ट स्लीपी, उसके बाद उसको नींद आने लगती है. सो वो लेट जाता है. अब बेड जो उसका बना होता है वो किससे बना होता है? सिल्वर सैंड से, चमक सिल्वर कलर. सैंड कैसे का कलर कैसा होता है? सिल्वर कलर का सैंड उसने बिछा रखी होती है. उस पर थोड़े पौधे और जो सूखे हुए पौधे जैसे सी बीड्स होते हैं वो लेकर उसने वो बेड बना रखा होता है और वो उस पर लेटता है और वो सो वो जाता है. तो उसको नींद आ रही होती है इसलिए वो लेटते ही सो जाता है. नाउ व्हाइल ही वाज फास्ट एस्लीप, जब वो गहरी नींद में होता है, टाइड फिर से आता है. टाइड क्या? लहरें उठती हैं ऊंची ऊंची, फिर से आती हैं. इट क्रेप्ट फार्दर एंड फार्दर डाउन द सैंड, और वो दूर चली जाती हैं सैंड के ऊपर, दूर चली जाती हैं और क्या छोड़ जाती हैं पीछे. आपने देखा होगा समुद्र की लहरें जब उठती हैं तो अपने साथ काफ़ी चीज़ें बहा कर लाती हैं. तो क्या लेके आती हैं? सीवीड, पुराने शेल्स, शेल्स से आते हैं वो शंख होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं, एंड वुड, लकड़ी, और हर तरह का कूड़ा जो भी उसमें था वो सारा जो है ना वो बीच पे छोड़कर वापस चली जाती है. तो बीच पे क्या हो जाता है? काफ़ी मैसी हो जाता है, काफ़ी कूड़ा हो जाता है वहाँ पर. मून आई वोक अप एट लास्ट, वो उठता है लास्ट में और देखता है. सबसे पहले वो बैठता है और सुनता है पानी की आवाज़, समुद्र की आवाज़ वो सुनता है. ठीक है, उसको बहुत अच्छी लगती है उसकी आवाज़, और स्लोली जो उसके डोर के पास से उसको सुनाई दे रही होती है. बट इट सीम्स एज इफ द साउंड वॉज वेरी फार अवे, नॉट नाउ. अब उसको ऐसा लगता है कि जो आवाज़ आ रही है ना वो काफ़ी दूर से आ रही है, पास से नहीं आ रही है. तो मतलब उसको रियलाइज़ हो जाता है कि समुद्र जो है दूर से आवाज़ कर रहा है, यानी कि हम अगर कोई चीज़ नहीं भी दिख पा रहे हैं तो अगर उसकी आवाज़ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो दूर से आ रही है या पास से आ रही है. तो उस पिक्सी को भी आइडिया हो जाता है. एंड ही गॉट अप, उठता है, बाहर जाता है दरवाजे से. ही सॉ द वाइड बीच स्प्रेड आउट बिफोर हिम, देखता है कि उसके सामने पूरा समुद्र का किनारा खाली था, मतलब पानी नहीं था वहाँ पर, सी बीच नज़र आ रहा है. एंड द सी अवे डाउन इन द डिस्टेंस, और समुद्र जो है काफ़ी दूर चला गया. ही वॉज टू सरप्राइज, बहुत हैरान होता है और कुछ कह नहीं पाता हैरानी के कारण. देन टीयर्स केम इन टू हिज आईज एंड ट्रिकल डाउन द हिज चीक्स, क्या होता है फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं. वो समुद्र से इतना प्यार करता है कि उसके दूर जाने के कारण वो शॉक्ड हो जाता है और आंसू उसके गालों पर टपकने लग जाते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड. प्लीज रीड द लेसन एंड ज्वाइन लाइव क्लासेस, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. सो मस्ट रीड द लेसन. थैंक यू.